कृपा सिंधु नर रूप हरी। महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि करनी कर। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। वंदे पनगभूषणम मृगधरम वंदे पशुनापतिम। वंदे सूर्य शशाकवहनी नयनम। वंदे मुकुंद प्रियम। वंदे भक्तजनाश्रियम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ओम मनोजवन मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरजूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नन्दनी अंबिका भवानी के श्री चरण में हम सब निवेदन करी। की निवेदन करी बंधों? जे जानी प्रदान्तये अशमूल व्याधि सुलपेन च हरन्ति सभ्यान मात्रयो दीशान ज्ञानं प्रकाशिनी। हे माता, अपने के श्री चरण में हम यह निवेदन करै छी, धर्म का जानै छी, अधर्म के भी जानै छी। धर्म से प्रेम भी है, अधर्म से प्रेम है, मुदा धर्म से कहीं ज्यादा प्रेम अधर्म के साथ भोग लै छी। ताहि तो हिमा, अधर्म के साथ संगति कला के पश्चात जो इंसान के जीवन में प्राप्ति है प्रतिफलता, वो प्रतिफलता के दुख हम भयंकर देख रहे हो। सनान्देन ब्रह्म पालेन गुरवेन तिदमातिथि। हे माता, हम भली भांति जाने छी जे कर प्रतिफलता बड़े गलत है। इरसनान रसनेन्द्र सुधान पिपासयो वद्य। इरसना के स्वाद बड़ा खतरनाक है। तत्पुरांत भी डॉक्टर वैद्य के नजदीक गला के बाद कोई जोगी जटी संन्यासी संत के नजदीक में गला के पश्चात वर्जित करे छे, और हमर बेर बेर मन वही में जा रही है। भोज तत्रेनम पता तत्रेन अर्जे तत्रेन संघव। मनेन तत्रेन भावेन मनः दुखेन दुखवार्जयः। अरे बंधु, मर शास्त्र पुराण वेद उपनिषद में बड़े तीव्र गति के द्वारा वर्णन के लिए सदत काल मन का प्रसन्न रखना सा। मन का प्रसन्न कोना राखी? अरे कड़वी खेवा की इच्छा हो, यदि कड़वी बंद हो जाए तो मन प्रसन्न में अप्रसन्नता आ जाए। अरे हम धर्म का भली भांति समझे छी, धर्म में हम चाहे छी हमर प्रेम हमर लगाव हो जा, मुदा मन प्रसन्न नहीं हुए। अधर्मक स्वाद जी चख ले लाए बंदो, अधर्मक स्वाद चखला के बाद में लाख प्रयास करे छे इंसान जी धर्म मई बनी तत् उपरांत धर्म नहीं हुई छे। एकर एकटा कारण नहीं छे बंदो, बहुतो कारण छे। जे अपने काल श्रवण करो दुर्योधन के दृष्टांत, अरे देखल जा दूसरा श्लोक के द्वारा भीष्म पितामह जी बहादुर जो उनको पूछ रहे ने, बेटा जयेन कुमार समयोवता वृद्धि तरते नराजिकम। अरे बेटा, राजा के भी विशेष नीति हो जाए, तहा युवराज छी, राजा की विशेष नीति हो जाए जेकर नाम छे धर्म नीति, राजनीति। जे धर्म से जुड़ल छे इंसान और इंसान से जुड़ल छे राज।
धर्म से जुड़ल छे राजा युवराज, और युवराज राजा से जुड़ल छे धीराज। ताई हेतु अपना लेल बेटा यदि नहीं सोच सके छे, कम से कम राज्य के लिए तो सोचू। अरे जग के राज प्रजा दुखारी, सुइंद्र पर अवसय नरक अधिकारी। अरे जय राज्य के प्रजा दुखित छे, उढ़ी डोला पीट के राजा नरक गामी भो जाए छे, नरक की ओर जाए छे, पतन की ओर जाए छे। बेटा हां कहलो, जब धर्म के भी जाने छी, अधर्म के भी जाने छी, मुदा हमर धर्म से प्रवृत्ति नहीं आई छे, और अधर्म से निवृत्ति का प्राप्त भी नहीं कर सके छी। मुदा बेटा सदकाल प्रयास के चीज छे, अरे मानव जीवन मिलन छे प्रयास के लेल, असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाए छे। यदि मनुष्य के जीवन में प्रयास हो जा और सच्चा ज्ञान हो जा, और सच्चा ज्ञान के लिए बेटा दुईटा मार्ग का अपने नहीं परम जरूरी छे, और दुईटा इन अंदर में 20 छे, जे 20 का त्याग केला के बाद ही ये प्रकाष्ठा के प्राप्त करी छे। और ये दूत वस्तु कौन छे, जहं चित क्रोधस्य मानु धदते नम पया। अरे मनुष्य के जीवन में क्रोध और अहंकार पतन के मूल कारण है, पतन के मूल कारण क्या, जी मूल कारण पकड़ला के बाद नास्वर हो जाए छे इंसान, नास्वर हो जाए छे। जी के शास्त्र में कवि बड़ा सुंदर से वर्णन के लिए, मानव जीवन बड़ा अनमोल छे, जे बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जे बड़े भाग के द्वारा मानव जीवन मिलल, और वह में विशेष भाग जी युवराज के जीवन, राजा के जीवन, और राजा युवराज रहतो पर यदि अधर्म रत हो जाते बेटा, इतिहास के पन्ना देखो उल्टा के, आज तक किनको कल्याण नहीं मिला है, राजा के अनुकूल प्रजा हो जाए छे, प्रजा भी अधर्मी हो जाए छे। कारण जे राजा के पास में धर्म समाप्त हो जाए छे, कोई राज में प्रजा भी अधर्म के साथ में मित्रता स्थापित कर दी छे। यदि गृह के गार्जन ढीला हो जा तो सदस्य बिगड़े के चांस रहे छे, बंधु संभावना रहे छे। तई हेतु सदत काल ए पर ध्यान रखना चाहिए इंसान, मगर पावर कहीं गलत तरीका से यूज नहीं हो जा, ये हमारे पावर सीज नहीं हो रहा। तई हेतु बंधु ई दुर्गा जी के नवरात्र पूजन में, वासंती नवरात्र में हर मानव के, हर मानव के कल्पना होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, जी जना वसंत ऋतु सब ऋतु के राजा छे, महान ऋतु छिया वासंती बहार, कोयल के गुंजयमान, तुम्हारा जीवन में सदत काल कोयल गुंजयमान करित रहे। अरे वसंती नवरात्र हमारा जीवन में तरह संपूर्ण शरीर पर बासंती नवरात्र के चादर से मर जीवन ढका जा, और ये जीवन साधन में लग जा। यात्मान कारम प्रति स्वरयः अतमीनम स्वजन्या प्रति विषम भविदह तु अनुमद्दैना शेषम मजी ज्ञानिनो। अरे हम तो ज्ञानी छी, विवेकी छी, मुदा ज्ञान जी छुपली छी, ज्ञान के जगह नहीं जरूरी छे बंधो। तो सबसे प्रथम में जगदम्मा भगवती के शरीर शरण में निवेदन करी, जे हे मां अंधार कूप अमनिबय, अंधकार के भयंकर कूप से हमारा उद्धार करो अपने, और ज्ञान के मार्ग दिए मां, जे ज्ञान के लिए बहुत वर्षों से हम व्याकुल छी, बहुत वर्ष से व्याकुल छी, बहुत जन्म से व्याकुल छी,
जमरा जीवन में बसंती खिल जा। और बंधु भाई के जमाना में डायरेक्ट उल्था शायद, अरे बसंती नवरात्र लेके बतावे, अपना जीवन आनंद लेके बतावे, अधर्म से धर्म के लिए लेके बतावे। इंसान जहां बेंग का बाहर क्या दला के बाद में भी, बढ़िया जगह दिला के बाद में भी कीचड़ से संगति छाए बेधक, तहिना मन के प्रवृत्ति होइ छै बंधु। जे मन जे वस्तु से मित्रता कर लेकिन उनका हटावे में प्रयास कर पड़ी छै, मेहनत तो छाए चाहे तो नहीं छाए, जब हटी तत्प्रांत मेहनत की आवश्यकता छे किया है। तो 84 लाख योनि में मानव योनि सबसे महान योनि है, और यही योनि के द्वारा ही भगवान के भक्ति, भगवती के भक्ति क्याल जा सके छायत, धर्म का अपनाल जा सके छायत, मृत्यु और जीवन का समझल जा सके छायत, और मनुष्य के भोग से लख उतरा भोग तक की जानकारी प्राप्त कर सके छायत। अरे या भोग नहीं जी, या इतने दिन की आयु नहीं जी हमारा, हाँ के ये खाना पीना सो जाना, बकरी मार भैंसा पर धावे, दया दिल में नाई अपना घर सर्वनाश करी, पर घर आग लगाई। संतो साकट चतुर कसाई, बच्चा के बहुत तो प्रयास करे छे, कारण उनकर मन जे छाय मनक वृत्तियां वैसे उलझ गेल छाय। अरे बंधु जब तक मन के वृत्ति वही नापाक वस्तु के साथ में उलझल रहे, तब तक हम कोई भक्ति, कोई दुर्गा जी के पूजन, कोई भगवती पूजन, कोई शिव के पूजन, कोई शिव के उपासना संभव नहीं छाय। कारण कोई भी उपासना से पूर्व कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित, कोई भी साधु, कोई भी विद्वान पवित्रता के हर इंसान का संकेत करे छे, जहां पवित्र भूखे तत्प्रांत कोई पूजा आसन पर आसन ग्रहण कर। जब बंधो शरीर का बाहरी अंग का पवित्र करे की इजाजत दिलगी नहीं, तो अंदर भी पवित्र, और अंदर पवित्र के यदि जानकारी नहीं छे तो उनका पास में तो वह आचार्य पंडित ज्ञानकारी दिलावे छे, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम् सौबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अरे भगवान गोविंद के स्मरण करू, ध्यान करू, सुमरण करू, यदि अंदर और बाहर दोनों विशुद्ध चाहे छी तो भगवान के सुमरण ध्यान कर वाला बंधो यदि नापाक वस्तु के भोजन करे तो लाख प्रयास कला के बाद भी सुमरण संभव नहीं हो सके छ। युक्ताहार विहारस भगवान चेतावनी दल गिरी श्री कृष्ण अर्जुन के, चेतावनी नहीं संसार के चेतावनी दिलकिन अर्जुन के की चेतावनी, संसार के चेतावनी दिलकिन जी भैया उचित आहार और उचित विहार यदि मानस को भोजा तो जीवन सफल है। सबसे प्रथम है उचित आहार, युक्त आहार, और उचित आहार जब मनुष्य समझे नहीं छाए, जब अपना भोजन के लिए खुद समझ नहीं रहा तो जगदम्बा के कोना आराधना कर सके बंधु, वो भगवती की आराधना कोना संभव कर सके छाए। तो जगदम्बा के श्री चरण में निवेदन करी जी मां वो दिव्य ज्योति का हम प्राप्त करी, दिव्य ज्ञान का प्राप्त करी, जे ज्ञान जीवन में घटे नहीं दिन प्रतिदिन बढ़े और साधना के चक्र पर निवास बन जा, यह कामना जगदम्बा के श्री चरण में करे। चलिए हम सब